और अब मुझे क्योंकि कपड़े कुछ मेरे पास नहीं हैं तो मैं कुछ सूट सिलाने आया हूँ। बहुत फेमस शॉप है ये जस्ट मैन, अन्ना भी यहीं रहते हैं। पीछे आपने देखा था मिस्टर अंबानी साहब का घर है इसी गली में। सामने ये बिल्डिंग देखिए, पीछे दिख रही है आपको, और बिल्कुल इसके सामने जस्ट मैन है। ये दुकान काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 25-30 साल से है, और बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सुनील शेट्टी, अंबानी फैमिली के काफ़ी लोग और बहुत सारे लोगों का कपड़ा ये बनाते हैं। आपने कुछ सूट मेरे पहले देखे होंगे, जब मुझे राजीव गांधी अवार्ड मिला था तो उसमें मैंने पहना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ओनर हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, धनेश भाई, आई थिंक ही इज़ वंडरफुल मैन, और उनका काम उससे भी बेहतर है। सारे हिंदुस्तान के जितने वन ऑफ द टॉप कॉर्पोरेट्स हैं यहाँ पे बनाते हैं, तो क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अच्छी फिटिंग देते हैं, क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि मुझे अब तो टॉम फोर्ड भी पसंद नहीं आता। ऑलराइट, आइए देखते हैं क्या क्या कमियाँ हैं मेरे बॉडी में, मुझे खूबसूरत कैसे बनाएंगे। ओके, क्योंकि मैं गलत शर्ट पहनकर आया हूँ सूट सिलवाते वक्त। आप लोग, एक टिप है, जब भी आप सूट सिलवाएं तो कॉटन शर्ट पहन के जाइए। मैंने डेनिम शर्ट पहनी है तो उस पर फिटिंग आएगी नहीं। सो ये एक अच्छा हुआ, ये शर्ट मेरे पास पड़ी थी गाड़ी में, तो इस पर पहन के मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। गिव मी अ मोमेंट। गलत शर्ट पहन लिया। दानिश भाई हैं, से हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। हाय देयर, हाउ आर यू? ये धनेश भाई हैं। साजिद, दिस इज, ये धनेश भाई हैं जो मुझे खूबसूरत बनने में, आप लोग जो देखते हैं जितने अवार्ड फंक्शन में, डॉक्टर APJ कलाम प्रेसिडेंट अवार्ड जो मुझे लगा, इनके कपड़े पहने उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हुआ। ना वो जो राजीव गांधी अवार्ड मिला उस पर भी आपने इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर्स देखी होंगी, वो भी इन्होंने ही पहनाया था। मुझे थोड़ा शर्म आती है कम फॉर्मल कपड़े पहने में, इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। पहनो, लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, वाओ, प्रिंस पहने, प्रिंस लगेगा जो पहनेगा। एक चीज कहना चाहता हूँ, साहिल एक वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कपड़े, क्लोथ्स डोंट मेक हिम बॉस, ही मेक्स द क्लोथ्स, याद रखना बॉस। इसकी जो स्ट्रक्चर, जो पर्सनैलिटी है, कपड़े ये बनाता है, दैट्स हिम। इमेजिन, इतना एक्सपीरियंस आदमी बोल रहा है तो मेरी बात कुछ तो बात होगी थोड़ी बहुत। देखते हैं, बॉडी कम हो गई पहले से, भेज ठीक है, सब परफेक्ट है, कुछ करना है आपके पास होगा ना पहले का, थोड़ा बॉडी कम हो गई ना, कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे। मुझे लगा नहीं था कि मैं चेक पहन कर ऐसा लगूँ, इन्होंने फोर्स किया नहीं, चेक पहनो चेक पहनो। सो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब देखा, ये देख के कितना क्लीन है, आउटस्टैंडिंग। व्हाइट शर्ट अंदर जी, व्हाइट शर्ट पहन रहे अंदर, क्या जबरदस्त है। अरे साइड में बैग बैग बताना प्लीज। वो फर्मस ये अभी थोड़ा कम हो गया ना, लेकिन ये मैं दो दो किलो बढ़ेगा तो पहन सकता हूँ ना, दो किलो पहन सकते, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर क्या पहनेगा? वाइट शर्ट, बेसिक, कुछ मत करना, बेसिक प्लेन वाइट शर्ट, वो भी तो अपन क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, कुछ हाइट जैसे आपका है, ऐसे ऐसे अंदर बैठा हुआ आएगा, ऐसे स्टेडी जो कॉलर ले फेल नहीं है, जो आप करते हो ना, हाँ ऐसे वो मत करना कभी, मेरा इनसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये कॉलर गलत है आपका, ओके फिर आपका ऐसे आएगा, इतना लेंथ होना नंबर कॉलर है ऐसे अंदर ऐसे। तो इनका कहना है कि जब एज अ मैन जब आप पहनते हैं तो ये साइड का जो है ये बताइए इनको, this should be inside your suit, never bring this suit, never bring your collar outside your suit. वो मैंने एक बार सूट में क्या हुआ था कि बहुत सारे पिक्चर्स मेरे अंदर थे तो इन्होंने बोला कि थोड़ी थोड़ा स्टाइल चेंज कर लो, तो ऐसे कर लिया, लेकिन आइडली वो गलत है, कभी आप शर्ट बाहर निकाल के नहीं पहने फॉर्मल्स के साथ, इट्स वेरी शेडी, जो मैं कर चुका हूँ बाय मिस्टेक। बताइए कि क्या करना चाहिए, और इनका बड़ा अच्छा टिप दिया उन्होंने कि कॉलर हमेशा जो कॉलर शुड बी इनसाइड, इनसाइड द कॉलर ऑफ योर सूट,
the shirt collar should be inside your collar piece. So it looks very dignified also and acha lagta hai. And he's got a very big neck also. So inko kya hai, apne neck ka bhi advantage, he should take the advantage of his neck also. Making a high collar shirt will enhance his personality better. A feel good factor for a man is when your collar touches your collar, your tip of your neck. That is the best sign for a good shirt. If your neck is big. और नेक स्मॉल वालों के लिए क्या है ये भी बताइए क्योंकि कुछ लोग बहुत पतले भी हैं मेरे यूट्यूब कॉलर्स देन यू हैव स्मॉल कॉलर्स यू हैव वन बटन द दिस इज अ वन लेयर बटन यू नीड थ्री लेयर्स फॉर मिस्टर साहिल हीज गॉट अ लॉन्ग नेक डिपेंड्स अपॉन योर साइज ऑफ योर नेक यू कैन हैव टू बटन आल्सो वन बटन आल्सो सो जिनकी नेक थोड़ी मुझसे कम हो वो दो बटन भी ट्राई कर सकते हैं और एक बटन तो जो ये नॉर्मल है ये रेडीमेड शर्ट है सो जीन्स के लिए आइडली है गलती से पहनकर आ गया आप देखेंगे जब असली शर्ट बनकर आएगा नो चेक सूट के बारे में आई वांट टू टेल यू वन थिंग 90% ये फैशन चल रहा है फेयर इनफ लेकिन ज्यादा पीपल शुड नॉट वेयर इट बिकॉज द प्रोपोर्शन बॉडी हैज टू बी प्रोपोर्शनेट अगर आपके इफ योर हिप्स आर वेरी बिग नेवर वेयर चेक्स बहुत बड़ा हिप हो तो आप चेक नहीं पहनिए इफ योर शोल्डर्स आर लेस नेवर वेयर चेक्स ओके सो इसमें क्या बॉडी का प्रोपोर्शन होना चाहिए विच पीपल शुड थिंक के बॉडी अगर परमिसेबल है तो पहनिए नहीं तो मत पहनिए करेक्ट सो जिसका शोल्डर छोटा है उनको चेक नहीं पहनना चाहिए और जिनका ब्रॉड है वो पहन सकते हैं क्योंकि वो और जिनका वेस्ट बहुत बड़ा हो हिप्स जो बड़ा हो वो भी चेक ना पहने स्लिम वालों के लिए इट मेक्स यू लुक लिटिल मोर स्टाइलिश इसमें थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा हूं आई एम जस्ट एडजस्टिंग योर हां बोलिए थोड़ा थोड़ा साइज बढ़ने वाला है ब्लैक चेक ऑल टाइम फेवरेट सबके घर पे एक ब्लैक सूट होना बहुत जरूरी है आप शर्ट चेंज कर करके पहन सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्राउजर के बारे में समझिए आप व्हेन अ मैन्स वेस्ट इज लिटिल लेस ना द प्रोपोर्शन ऑलवेज वेयर योर पैंट्स लोअर फ्रॉम फ्रंट एंड हायर फ्रॉम बिहाइंड सो दैट योर दिस पम योर बम योर प्रोमिनेंस इज मोर It looks very nice. It looks more tapered and it looks more sexy. तो आगे से ये कम होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और पीछे से थोड़ा लिफ्ट होना चाहिए। यही चीज़ लोग क्या पहनते हैं? ऐसे हो जाता है, हाँ, ऐसे फिर वो ऐसे दिखता है। ऐसे हाँ, ऐसे दिखता है। ये फ्लैट दिखता है। फ्लैट दिखता है। और ये पूरी अंबे खराब, यहाँ की फिटिंग खराब हो जाती है। खराब हो जाती है। ऑलवेज ये आदमी की पहचान ये होती है बहुत से आदमी जब चलता है ना करेक्ट ओके इसको ऐसे करके हाई करके ये होती है इसको ये और सामने से नीचे एंड ही इज वेयरिंग दिस पैंट एट द राइट प्लेस टू गुड जींस थोड़ी ऊपर से पहनता हूँ ट्राउजर मैं यहाँ से पहनता हूँ नीचे से ये टिप है आप लोगों के लिए जो ये टू बटन जब आप सूट पे पहनते हैं तो अपर बटन बंद रहता है और नीचे का बटन खुला रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत शीक चीज़ है अच्छी चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं हाईएस्ट लेवल की टेक्निक्स सूट के बारे में इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं कि 100 में 95 लोग को जाना पड़ता है शोल्डर पैड्स के लिए क्योंकि मेरा शोल्डर थोड़ा ठीक ठाक है तो ये बोल रहे हैं उन 5 लोगों में से मैं एक हूँ 95 को जरूरत पड़ती है उन 5 में से मैं एक हूँ जिनको जरूरत नहीं पड़ती है शोल्डर पैड्स की बहुत बढ़िया पीस है क्योंकि तो इसमें जब आप जेब में हाथ डालें तो आप ऐसे सामने से मत डालें खींच के डालेंगे तो फैब्रिक खींचता है तो इसको पीछे से डालना है इन्होंने हाथ बताया ऐसे पीछे से निकालिए ऐसे दोनों साइड से और गूंद लगिए कैमरे के सामने ये बहुत अच्छी चीज सिखाई इन्होंने मुझे अभी नॉर्मली आदमी कोई जेब में हाथ डालता है तो बिल्कुल ऐसे खींचता है तो अच्छे नहीं कैमरे सामने है तो फिर ऐसे नहीं करने का यहाँ से ऐसे और ये तो ये सूट इंटैक्ट रहता है और सूट की फिटिंग खराब नहीं होती है आप समझे कितना कितना इम्पोर्टेंट टिप है अब ये देखिए कि मैं यहाँ से हाथ देकर ऐसे खड़ा हूँ तो सूट बिल्कुल वैसे ही है अब यही चीज़ अगर मैं इसको ऐसे करके पहन लूँ पूरा खुल गया सूट तो फिट और वो जो लुक है वो चली जा रही है हमको ऐसे रखना है पीछे से सीख रहा हूँ बस हाँ ये पूरा ऐसे ही लगता है ये हिलता नहीं है ये ऐसे ही ऐसे रहता है ऐसे किया तो पूरा ये चला ऐसे कोशिश करना सीधा मत करना जस्ट गिव दैट ये करके ना ये जो लचक है ना थोड़ा लचक थोड़ा और ये
ये सूट में लचक ही होती है। हाँ, ये और एक बहुत अच्छी टिप इन्होंने बताई, सामने आइए तो आ जाओ। तो इन्होंने कहा है कि सूट पहन के बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होते हैं, मैं भी कभी कभी सूट पहन के ऐसे खड़ा होता हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए, थोड़ा सा जो एक फील होता है सूट का वो होना चाहिए, थोड़ी सी लचक होनी चाहिए। हम लोग को क्योंकि बॉडी बिल्डर है तो हर वक्त बॉडी गार्ड कैसे रहते हैं, बॉडी गार्ड लगता है, फिर ऐसे हो जाता है, हाँ थोड़ा ऐसे हो गया तो रिलैक्स हो जाता है। साउंड आ रहा है ना, A man looks more manly and sexy. Sexy when he poses in the right way with a suit on. You can't, your man cannot look stiff like this. A man has to feel relaxed and stand. That's how the suit comes out. That's how a suit should be worn for every man. He may be having the biggest belly, he may be having an odd body. That's not the, how he carries the suit is important to us. It's not the suit, it's not the suit. You have to make the suit. क्योंकि ये सही बात बोली कि बहुत सारे मैं भी ऐसे सूट पहन के ऐसे खड़े हो जाते हैं ना हम लोग, तो ऐसा थोड़ा फील लगता है कि बॉडी गार्ड हूँ मैं, किसी को बॉडी गार्ड कर रहा हूँ। थोड़ा रिलैक्स रहने का हमेशा पिक्चर्स खींचते वक्त, ताकि थोड़ी सी लचक रहे, ग्लैमर रहे। वल्लाह बेबी, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सुपर 180 कश्मीर वूल, वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक फॉर द सूट लेंथ। इट्स अ ब्लैक प्योर वूल फैब्रिक, डोंट यूज सिंथेटिक पॉली वूल और टेरी वूल मत पहनना सूट के लिए। Wear pure wool so that the fall of the fabric is fantastic and the finishing of a suit is fantastic. अच्छा, कि मतलब wool पहन 100% wool पहनना चाहिए। Wool in the fabric में उसका flow अच्छा आता है। ऐसा नहीं बोलते, wool बहुत गर्म होता है। नहीं, वो cashmere wool होता है। Cashmere wool गर्म होता है और ये this is pure wool. अभी मैं जिम शुरू करूंगा तो थोड़ा बॉडी बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, एक पैसा बढ़ेगा, मैनेज हो जाएगा ना। आप लोगों ने यू आर गोना जस्ट इंक्रीज बाय 50 कपल ऑफ या 2 टू 3 केजी। ओके, योर मास विल बी योर योर या आई विल बी सेम ओनली, आई विल जस्ट गेट द पाम, यू नो इट। नहीं ज्यादा, मुझे ज्यादा बल्की नहीं होना है ना, तो ऐसे हो जाऊंगा मैं फिर। Mr. Sahil knows what he's talking about, so I don't think I need to rectify any suits. He knows what he's talking about. He's going to increase his muscles, not his body mass. मैंने बोला ऐसे पूछ लूँ ना कि अभी जिम थोड़ा बॉडी डाउन चल रही है तो छूते ही बढ़ने लगता है। I can talk clothes. He can talk health. We are all good in our own territory. And these two combinations are good. This is the best combination. खड़ा हूँ आपके सामने, अब ये पूरा सूट बन जाएगा ना, अच्छी सी तस्वीर खींच के डालूंगा। गाइस, जितने लोग इस वक्त बॉम्बे में हैं, जहाँ पे भी हैं, मैं इस शॉप का लिंक, फ़ोन नंबर और ये सारा नीचे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक डाल दूंगा, फॉलो कर सकते हैं। मेरे सारे सूट जितने भी आप देखते हैं सब यहीं के हैं। सो आई वुड लाइक यू गाइज टू फॉलो धनेश भाई, जस्ट मैन, और लिंक नीचे डालकर फ़ोन नंबर डाल दूंगा, सो यू गाइज कैन कम हियर। वल्लाह बेबी।